तुम्हें मैंने वीडियो में तो दिखा दिया कि कैसी कंफर्टेबल है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा जब तुम खरीदोगे, जब पैसे जाएगा तो हर चीज पैसे में कंफर्टेबल ही लगती है। और भाई कलर तो ब्लैक A1 ही लगता है। गाइज गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप से मस्त मज में रह रहे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:20 और मेरा अभी प्लान है संस्कार वर्ल्ड स्कूल में खेलने जाने का, क्योंकि आज टूर्नामेंट है। तो भाई का फोन आया कि भाई टूर्नामेंट में चलना है, हम टूर्नामेंट छोड़ेंगे भी नहीं। और कल से मुझे आज बहुत ज़्यादा आराम है, क्योंकि कल जो मैंने आपको व्लॉग डाला है भाई, वो नो क्लिक बेट था, असलियत में वो चीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई थी। भाई मेरे सिर में दर्द इतनी तेज़ हो रहा था रात को, इसलिए मैंने जल्दी सो गया था, 9:30 के आसपास में सो गया वीडियो अपलोड करके, शायद आ गई होगी आपके पास। तो अभी मैं चलता हूँ खेलने। मैच होने वाला हमारा स्टार्ट, अभी हमारी टीम का मैच खुल चुका है, तो अभी हम जाके मिलते हैं मैच के कोर्ट में। और भाई अगर वीडियो बनी तो दिखा दूंगा, तो मैं भी ना बनी तो भी नहीं दिखाऊंगा। तो अभी पहले मैच पर पहुंच जाऊँ, हमने चेंज तो कर लिया। तो गाइस बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, मेरे चेहरे पे मुस्कान दिख रही है भाई, वैसे मैं अंदर से दुखू लेकिन चेहरे पे मुस्कान ऑलवेज रहेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं हम सेमीफाइनल में बाहर निकल गए, एक सिर्फ एक गलती की वजह से, वो था भाई किसी का, मतलब टीममेट में किसी की एक गलती नहीं होती, टीममेट में सिर्फ एक की गलती होती है, उससे पूरे टीम वालों को दुख सहना पड़ता है। तो अभी हम सेमीफाइनल में हार के निकल रहे हैं अपने घर के लिए, शाम के बज रहे हैं 4:30। अब मैं घर पे जाके मिलूंगा आपसे, फिर घर पे देखते हैं कि क्या प्लान है जाने का। और दोस्त भी के फ़ोन आए थे, चलेंगे वहाँ पर उनके साथ ही। तो गाइज अभी मैं नहा के ऑल सेट हो गया हूँ भाई, आज तो मैं गदर ही लग रहा हूँ भाई, क्या ग्लो आ रहा है तुम्हारे फेस भाई के फेस पे यार। ये पता नहीं किसी को फुंसी चाहिए ना, तो मेरे से खरीद लो, 50 रुपये की फ्री, 50 रुपये के फ्री दे दूंगा। तो अभी मैं, अभी मेरा प्लान है ट्यूशन जाने का, प्लान क्या है, डेली जाना ही पड़ेगा ट्यूशन, ट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ भाई। अगर ट्यूशन भाई, सेल्फ ट्यूशन तो पढ़ लो, सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन में क्या पढ़ेंगे, सर पढ़ा देंगे और हमें भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं चलूंगा ट्यूशन भाई, आज मेरा नसीब अच्छा था जो कि मुझे भाई मिल गए नीचे, मैं ट्यूशन जा रहा था, मैंने कहा आएंगे आएंगे ना आएंगे तो भी सही, कम से कम टीचर मुझे अकेला देख के नो तो कह देगा चलो भाई घर चले जाओ। मुझे भाई सच में लग रहा था कि भाई तुम लोग आओगे नहीं, यस मुझे सच में वैसे यही लग रहा कि तुम लोग आओगे नहीं, लेकिन दर्शन दर्शन हो गए, बारिश में लाइट का कभी पता नहीं चलता, ऐसे हमारा कभी पता नहीं चलता भाई हम आएंगे नहीं आएंगे। सही बात है भाई, तुम्हारी गलती ना, गलती मेरी है जो कि मैं नीचे आ गया ना, है ना। अरे हम तो सेब खाने आ रहे हैं, पर तू आ गया नीचे, हम तो अफसोस में हैं। चलो भाई पहले सेट, आज एक सेब का नुकसान नहीं हुआ यार, देख रहा है तेरे भाई, तेरे तो स्मार्ट है। अभी मैंने कैप ना उतारी है भाई, उतार दे और तो उतार दे, तेरी ही क्यों लग रही है, लमास्टर की बाइक भी आ गई। चलो ठीक है भाई, गाइस ओके गाइस, भाई थोड़ा चिल्लबाजी करके हम घर आ गए हैं, मतलब घर जा रहे हैं रास्ते में, भाई इसकी इतनी आ रही है मुझे वो चीज भाई, बस ऐसी मजे मस्ती क्या डालते तुम्हें, तुम क्या ही देखते हो उस मजे मस्ती में, तुम है नहीं तो तुम होगे नहीं वहाँ पे, तुम मजे कैसे करोगे फिर, तुम्हें तुम देखोगे फिर तुम भी सोचोगे कि हम अपने दोस्तों के साथ मजे करेंगे। तो गाइस जो भी पब्लिक मुझे ऐसे रिएक्शन दे रही है तो मत दो, प्लीज प्लीज मत दो, इन भाई के साथ मिलिए, ये वही भाई। अबे सुनो, जो हमने कल वाला व्लॉग डाला था यार, उससे कुछ वही नहीं आया, मतलब लोगों का रिएक्शन, अरे यार वो मैं मजाक नहीं कर रहा था, वो असलियत में था यार, मुझे कौन याद कर रहा है यार, मुझे कौन याद कर रहा है मुझे कौन याद कर रहा है। चलो पहले अपनी सोसाइटी में चला जाऊं, जब मिलूंगा आपसे लाइक का टारगेट दे, दोबारा जाएंगे वहीं पर, अगर इतने लाइक पूरे हो जाते वीडियो पे तो, अगर तुम मेरी एक वीडियो पे 50 लाइक कर दो ना, तो 110% एक उससे भी तगड़ी हॉन्टेड प्लेस पे जाऊंगा, बिल्कुल डन। सुनो मैं कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट कर दो, मैं पक्का यार इससे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस पे जाऊंगा। न्यू प्रॉब्लम क्रिएट इन माय ग्रुप,
एक बाइक की साइकिल, उसमें हम साइकिल नहीं बाइक में पिंचर हो चुका है, तो हम पिंचर ठीक करवाने आए हैं। ये खड़ी हमारी टार्जन। तो भाई देखो, जैसा कि तुम सभी को पता है हमें हिंदू होने पर बहुत ज्यादा गर्व है, तो भी दिखाऊंगा भाई हिंदू भाई स्टिकर। तो साफ क्यों नहीं करता भाई इसको? अरे अभी गंदी हुई है भाई, हिंदू तो हिंदू ये है भाई, फरारी भाई। मुझे आई प्राउड ऑफ हिंदू, आई प्राउड ऑफ हिंदू, हिंदू है हिंदू। यस आई एम प्राउड ऑफ सोना हिंदू, कर आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, यस आई एम इंडियन। भाईचारा जिंदाबाद, नो वरी, इट्स ओके ऑल अबाउट दी। तो गाइस ये बहुत शर्मीला लौंडा है, बहुत शर्मीला लौंडा है, बस हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तू 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 कम शर्मीला है, सारे कम बोल रहा है श्रेयस। देखो गाली देना अलाउड नहीं है गाइस, गाली देना नहीं है, ठीक है? तो तू मुझे क्यों घेर रहा है बार बार? इससे मैं तो संभला नहीं जा रहे यार, तू ये संभालेगा, ये बैठ मुझे साले को क्या न्यू किसी और की पे। हमेशा बताऊं, असली गाड़ी का तब मजा है जब अपनी हो, अपनी गाड़ी के स्टेटस लगाओ, अपने पैसे की हो, अपने पैसे की हो तब मजा है। हम कह रहे थे अंकल की बात नहीं मानता कोई, सा अंकल की बाइक है, कोई ना मसल ले, मजल ले भाई, बेइज्जती हो गई, शिट ब्रो बेइज्जती हो गई। गाइस अंकल की बाइक थी ये, हमारा दोस्त यूबी अभी हमें चिले पटेटो खिलाने वाला है। अजी यार चल अब भाई, अब तू बात मत पलट, बेइज्जती हुई है तो एक्सेप्ट कर भाई, बेइज्जती हुई है भाई। उन अंकल की बाइक थी ये रे अंकल, अंकल लगा दियो, ओ यहाँ गाड़ी से उतर जा, मैंने लगा जी उतर जी, गलती हो गई, मुझे लगा कि वो दूसरी वाली बाइक है, लेकिन हम कोई और सी बाइक में बैठ गए, हम बाइक पे आए थे अपना पंचर लगवाने। बेइज्जती हुई, बहुत ही बुरी बेइज्जती हुई। ओए यूवी गाइस, ऐसी बात नहीं है, ये हमारा दोस्त है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, उसमें से मैं कंफ्यूज हो गया था, इसका भी सेम कार है, इसकी भी सेम वो है बाइक है, क्या नाम है इसकी भाई? हीरो होंडा, होंडा बाइक, बाइक बाइक तो ऐसी है ना, जो तू नाम बोला हार्ले डेविडसन ऐसे करके। अरे भाई इतनी महंगी गाड़ी हल्के में ले रहा तू, मुझे हीरो होंडा जी, हीरो होंडा जी, मैं तो ना हीरो होंडा जी वैगन। चलो भाई आ चुका हूँ क्रेटा में, ये क्रेटा भी वेरी भाई, अगर कोई ले रहा है, कोई अगर फाइव सीटर गाड़ी में कोई ले रहा है तो भाई लियो क्रेटा को, ये क्रेटा इज वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो खैर वैगनार भी थी और ये भी कंफर्टेबल है। हाँ हाँ दो मिनट रुक जा, मैं अभी बता रहा हूँ गाइस को, बता रहा हूँ कि क्या क्या सिस्टम है ये ना भाई इसका, और जल्दी बताओ मुझे, थोड़ा जानकारी नहीं है ना। हाँ बताओ जल्दी बताओ भाई, इसमें आता है 1.5 लीटर इंजन, हाँ भाई पेट्रोल का, एसयूवी में टॉप सेलिंग कार है ये, हाँ ठीक है, 144 एनएम टॉर्क आता है इसमें, पैनोरामिक सनरूफ है, फर्स्ट इन सेगमेंट, ये पूरी खुल जाती है। अच्छा पूरी खुल जाती है, चेक करके दिखाओ, दो मिनट रुको। तो भाई ये पूरी खुल जाती है जैसा कि मैंने सुना, इसको जल्दी खोलना, चाबी से कर जल्दी, मैं चेक करके दिखाता हूँ गाइस, मैं चेक करके दिखाता हूँ भाई, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है चीज। अच्छा पूरी पूरी खोल, पूरी खोलो गाइस, ये गाइस पूरी खुल गई, जो कि ये सिर्फ इसमें ही आती है, एसएक्स टर्बो में इस सेगमेंट में, बस इसी गाड़ी पे है। अच्छा, दिखा दिखा मुझे दिखा, और एसएक्स टर्बो टर्बो में भी आती है वो, इसका ये कौन सा मॉडल है? ये पेट्रोल का टॉप मॉडल है इस फिलहाल में, सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो अलग चीज है, वो 1.4 लीटर है। ओके ओके ओके, अबे अबे हाँ हाँ दिख गया भाई, ये गाइस देख सकते हो कितना कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, इस सनरूफ से करीब 3 लोग आराम से खड़े हो। तो भाई गियर भी कुछ दिक्कत तो ना भाई, 6 गियर है और 1 रिवर्स है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, अपने मतलब गाड़ी अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर देती है। और भाई ये वो है सिस्टम या सेटिंग पैटिंग का कुछ का सिस्टम है ये, आफ्टर ये वो है सुने सामने का सुने। अच्छा बस चलो, तो भाई ये अपना ये सिस्टम है, ये अपनी वो रेस वेस है, ये ब्रेक है, ये जो भी है ये सिस्टम है, अभी हम दिखाएंगे, अभी वह कंफर्टेबल तो काफी है, अभी इसको हम बंद कर देते हैं, पूरी हो जा, हाँ इसको भी कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये मॉडल है 16 लाख का। अगर और जो स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है वो भी इससे कम बिकती है, ये स्टार्ट मत करियो, कभी इस महीने 9,500 बिकी है और स्कॉर्पियो क्लासिक 3,000 बिकी है। तो गाइस एक बार भी नहीं बिकी, ट्राई करें चला के दिखाते हैं अभी, चलो चलते हैं अभी। तो अक्षय भाई से स्पेशल कह के कि गाड़ी निकलवाई है कि भाई गाड़ी दिखाओ, मतलब व्लॉग में दिखा देंगे गाड़ी भी, अगर कोई लेना पसंद करेगा तो ले लेगा, ये वाली गाड़ी नहीं बिक रही अपने इसमें, चलो रुको भाई पहले दिखाओ तू देख, कंफर्ट वेरी कंफर्टेबल है भाई, मैं 6'2" का हूं और पूरा एकदम सेट आ रहा हूं, ना ऊपर अड़ रहा ना नीचे अड़ रहा, अपना सेट मामला, ये देखो और आगे भी अपना मजे में बैठा भाई, भाई बढ़िया है, कंफर्टेबल कार है, फाइव सीटर है,
हाँ भाई अपने सेगमेंट में सेल्टोस और इसकी सेम स्पेस है, बहुत अच्छी स्पेस है, इसमें पांच लोग हम बैठे गाइस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा। अगर तुम इसका नेगेटिव पूछोगे भाई देखो हमारा काम है अच्छी न्यूज देना, इसका नेगेटिव ये है पेट्रोल में भाई पावर नहीं है। अच्छा मतलब गाड़ी तुम्हें खींचनी पड़ती है तभी निकलती है, अगर ओवरटेक करना है ना तो तुम्हें गियर एक कम ही करना पड़ेगा, उसी गियर में नहीं ओवरटेक हो पाती, नहीं हो पाएगी, पावर कम है इसमें, पिकअप कम है, पिकअप कम है, वही बात। चलो तो कोई दिक्कत वाली बात तो लोग मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त, और आज तुम्हारा भाई बेटर फील कर रहा है क्योंकि कल मेरे बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा था ना, तो आज मैं ठीक हूँ उसका मैं कहीं ना कहीं, अगर तुम मेरे वीडियो पे 50 लाइक, 50 के नहीं सिंपल 50 लाइक कर दोगे ना तो मैं इसका रहस्य जरूर निकालूंगा और इससे भी 100 प्लेस पर जाऊंगा। तो आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट कर दो। सो टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।